देते हैं कि प्रेशर उतना जनरेट नहीं होता जितना चाहिए, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक डिवाइस नया इन्वेंट हुआ है। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं टाटा पंच में, आपको अगर टाटा पंच लेनी है गाइस, तो आप देख सकते हैं आपको इतना बोनेट दिखेगा गाइस, ठीक है। तो ये है सेकंड वेरिएंट है टाटा पंच का, ठीक है। तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं आपको इतना बोनेट दिखेगा गाइस। देखो मैं अभी, मेरी हाइट जो है गाइस 5'8" 7'7" इंच, ठीक है। तो गाइस 5'7" है मेरी हाइट, तो ठीक है गाइस, तो इतना आपको बोनेट दिखेगा, ठीक है। ये मेरी आइज लेवल है गाइस, ठीक है। ये कैमरा जो है मैंने गाइस आइज लेवल पे पकड़ा है, ठीक है। तो इतना बोनेट दिखेगा, ठीक है। तो मेरा मानना है गाइस, तो बोनेट जो आपको अच्छा खासा दिखेगा, ठीक है। उसके जो कर्व्स है साइड के, वो अच्छे खासे दिखेंगे, एकदम जो है आपको एकदम रगेड, मतलब एसयूवी वाली तो एकदम फील नहीं आएंगे गाइस, लेकिन आपको अच्छा खासा एक बोनेट दिखेगा, ठीक है। जो कि आपको एक छोटे स्मॉल हैचबैक में नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रीमियम हैचबैक में भी नहीं दिखेगा, अब बलेनो में भी नहीं दिखेगा, अल्ट्रोज में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप टाटा पंच पर अगर एक एसयूवी फील चाहते हैं, तो एक बढ़िया एसयूवी है, ठीक है, स्मॉल एसयूवी है, चल जाएंगे आपको, ठीक है गाइस। और कम्फर्ट जो है काफ़ी बढ़िया है, और इतना बढ़िया नहीं कि जो आपको प्रीमियम हैचबैक में मिले, ठीक है, उससे कम ही है।